फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लो, बेल आइकन दबा लो, तभी आपको सबसे पहले सबसे बढ़िया मूवीज और वेब सीरीज के बारे में रिव्यू मिलेंगे। बहरहाल, आज हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर की, यानी हार्टथ्रॉब ऑफ द नेशन, मोस्ट एलिजिबल बैचलर, और लेट्स से अभी तक तो बैचलर ही है। उनका फर्स्ट ग्लिम्स दोस्तों रिलीज हो गया शमशेरा का, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हाफ कट उनका पोस्टर आया है। इतना इंट्रीगिंग है ना, मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उनकी सिर्फ जो फोकस है वो इंटेंस आईज के ऊपर गया है, बिकॉज उसकी आईज हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं, एंड द एक्टर इज फ्लॉन्टिंग ना मिस्टीरियस सा कुछ मार्क है यहाँ पर, तीन लाइनें हैं, वो बहुत अच्छा लगा। लंबे बाल हैं, और जो ये लंबे बाल हैं आपको कहीं ना कहीं रॉक स्टार की याद दिलाते हैं, वो बहुत बढ़िया लगा। अगेन, ये ऐसी मिस्ट्री सी क्रिएट कर देता है कि ये ऐसा कौन से जोन के अंदर है एक्टर, क्या हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये हुआ, कहीं ना कहीं किसी जोन में जो अभी मूवी को डिस्क्राइब किया गया है वो ये है कि रॉबिन हुड की कहानी होने वाली है, देसी रॉबिन हुड की, मोटा मोटा, जिसके अंदर आपको वाणी कपूर भी दिख जाएंगी, और काफ़ी दमदार इसके अंदर एक्शन होने वाला है। ये करण मल्होत्रा ने बनाई है, सबको पता होगा। और शमशेरा के अंदर आपको एक और चीज़ दिखेगी जो है बहुत ही इंटेंस रोल ऑफ संजय दत्त जी। संजय दत्त का ही रोल रिप्राइज किया था संजू के अंदर रणबीर सिंह ने, रणबीर कपूर ने, रणबीर सिंह कहाँ से आ गए, और अब संजय दत्त उनके साथ ही खड़े होने वाले हैं। तो दोनों दमदार एक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या ज़बरदस्त ये करिश्मा यहाँ पर करते हैं। इसके अंदर जो टैग लाइन है ना, अ लेजेंड विल राइज, हालांकि ये रन ऑफ द मिल है, बहुत सी मूवीज़ इस तरीके का टैगलाइन यूज़ कर पाते हैं, बट जिस तरीके के भी फर्स्ट लुक आए हैं ऐसा लग रहा है कि जेन्युइनली एक लेजेंड की कहानी होगी। और अगर लेजेंड यूज़ कर रहे हैं तो लेजेंड उस मूवीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जिसके अंदर कंटिन्यूटी होती है। तो अगर ये चल गया तो इसके बाद शमशेरा 2, शमशेरा 3 आने की भी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और सेकेंड चीज़ तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में थिएटर्स में रिलीज़ कब होने वाली है। वो रिलीज़ होने वाली है 18th of March 2022 को, ये डेट जो है लॉक कर दी गई है, और बहुत जल्दी इसका ट्रेलर भी आने वाला है जिसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा कि वो एग्जैक्टली किस दिन आने वाला है। बहरहाल, ये जो फर्स्ट ग्लिम्स आई है मुझे अच्छी खासी इंट्रिगिंग लगी है, तो थम्स अप फॉर दिस वन। जैसे मैंने बोला, आप अगर नए हैं उस चैनल के ऊपर तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो।